को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, लाइक जरूर करें। सोनल की हेलो फ्रेंड, सोनल बेक एंड कुक में आपका स्वागत है। फ्रेंड मैं आज आपको आलू दम बनाना सिखा रही हूँ, जो कि सूखा रहेगा और उसको आप चाहे तो ऐसे सूखा भी खा सकते हैं या पराठे के साथ खाना है तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं। उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, ये उबले हुए आलू हैं, मैंने उबाल लिए हैं, ये छोटे आकार के आलू हैं, छोटे आलू के आलू दम बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद ये लहसुन है जो कि मैंने छिल के कूच लिया है, आमचूर है थोड़ा सा, लाल मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है आधा चम्मच और थोड़ा सा जीरा है और हींग है, और सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल लिया है मैंने। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं, इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अच्छा फ्रेंड, आलू को यदि आप चाहें तो दो पीस में भी कट कर सकते हैं, जो थोड़े बड़े आलू थे मैंने उनको दो पीस में कट कर लिया है ये इस तरह से, ये देखिए, ताकि नमक उसके अंदर आसानी से चला जाए। वैसे मुझे ये सूखे और ऐसे छोटे छोटे लाल लाल कलर के दिखते हुए आलू बहुत अच्छे लगते हैं। हम इसमें लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, एक्चुअली ये चटपटा तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसमें मैंने ज़्यादा तीखी वाली मिर्च यूज़ नहीं किया है, जो मार्केट में लाल कलर की मिर्च मिलती है जिसमें कि थोड़ा सा कलर रहता है, वो वाली मिर्च लिया है मैंने, क्योंकि एक्चुअली ये लाल देखने में बहुत अच्छी लगती है। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें हींग डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। इसमें ये लहसुन डाल देंगे। ये लहसुन को थोड़ा लाल करना है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 5 मिनट में, यदि आपके आलू बॉईल रखे हुए हैं तो आप इसको 5 मिनट में बना सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए लहसुन लाल हो गए हैं, अब हम इसमें ये लाल मिर्च डाल देते हैं। गैस स्लो कर दीजिए, ये गरम मसाला डाल दीजिए, अब हम आलू को इसमें डाल देते हैं। थोड़ा गैस स्लो रखना है, स्लो आंच में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसको आसानी से अच्छे से मिला दीजिए। अब हम इसमें नमक डालेंगे ताकि नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, आप जितना नमक पसंद करते हैं। अब इसमें ये आमचूर डाल देना है, आमचूर कैसे थोड़ा सा तीखा खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आलू का जो फ्लेवर थोड़ा सा मीठा भी होता है आलू, तो उसमें तीखा खट्टा और मीठा ऐसा मिक्स बहुत ही टेस्टी लगता है। कई लोग इसमें रेड कलर भी यूज़ करते हैं, बट मैं रेड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को मुझे खिलाना है ये, तो मैं कलर अवॉइड करती हूँ, जितना नेचुरल हो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसको मध्यम स्लो आंच में ऐसे थोड़ी देर इसको फ्राई होने देंगे। देखिए हमारे आलू दम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैंने स्लो आंच में इसको 5 से 7 मिनट के लिए धीरे धीरे थोड़ा सा फ्राई किया है। ऐसा ये थोड़ा अच्छा फ्राई हो जाता है, आलू लाल हो जाते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको धीरे धीरे से चलाना है ताकि आलू टूटे ना। ये
अब हमारा आलू दम रेडी हो गया। मैं गैस बंद कर देती हूँ। इसको हम डिश में निकाल लेंगे। देखें, यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।